जीवन के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये प्रयोग हम सबके जीवन को बहुत सरल बनाने वाला है। मैं आपको बाबा का एक महावाक्य याद दिलाऊं, मैंने उस पर अपने जीवन में स्वयं भी कम से कम 1000 एक्सपेरिमेंट किए होंगे, लगभग सभी संपूर्ण सफल हुए। मैं वो आपके सामने भी रख रहा हूं, मैंने क्लासेज में बताया है, बहुतों ने सुना है। 6-7 साल पहले की अव्यक्त मुरली का महावाक्य है। संसार में बड़े बड़े लोग अपने बड़े कार्य विल पावर के आधार से करते आए हैं, मनोबल के आधार से। तुम्हारे पास है परमात्म विल पावर, तुम अपने संकल्प से ही जो चाहे कर सकते हो। शर्त यह है कि वही संकल्प होना चाहिए जो तुम चाहते हो। एक भी निगेटिव संकल्प सफलता के मार्ग में दीवार बन जाती है। कैसे एक्सपेरिमेंट करना है, मैं बहुत सिंपल तरीका इसका आपके सामने रख रहा हूं। संगम युग पर तरीके से पहले मैं एक बात आपको कहूं, वर्तमान समय में हम सभी एक बात पर ध्यान दें कि हमने अभी तक भी अपनी शक्तियों को नहीं पहचाना है। बाबा ने हमें पहचान लिया। कोई बहन क्लास में बता रही थी कि कोई बच्चा बाबा के सामने पहुंचा और कह रहे थे कि बाबा मुझे अपने में विश्वास नहीं होता। बाबा ने कहा, बच्चे बाप ने तो तुम्हें पहचान लिया, तुमने अपने को अब तक नहीं पहचाना। ध्यान दें इस बात पर, बाबा ने हमें अपनी शक्तियां दे दी हैं, हम अपनी शक्तियों को पहचाने। तो एक्सपेरिमेंट का तरीका है, पहला संकल्प स्वयं को देंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। दूसरा संकल्प देंगे, परमात्म शक्ति मेरे साथ है। फिर से सुन लें सभी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, परमात्म शक्ति मेरे साथ है। और तीसरा संकल्प वो करेंगे जो हम चाहते हों। मैं उदाहरण दे देता हूं, मान लो आप में से कुछ भाई बहने यहां ऐसे आए हैं जिनको बंधन है, जिनको ये संकल्प चल रहा है कि 2 दिन के बाद हम घर जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। चेंज करें अपना संकल्प, एक्सपेरिमेंट करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, परमात्म शक्तियां मेरे साथ हैं, मैं जब यहां से घर जाऊंगी तो घर वाले मेरा बहुत सम्मान करेंगे। एक ही संकल्प करके देखें, ऐसा ही होगा। दूसरा उदाहरण ले लें, आप किसी व्यक्ति को छोड़कर आए हैं जो बीमार था घर में, आपको यहां बार बार संकल्प आ रहा है कि पता नहीं क्या हुआ होगा। आप कोई समस्या छोड़कर आए हैं घर में, आपको बार बार संकल्प हो रहा है कि पता नहीं क्या हुआ होगा। आप संकल्प शुरू करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, परमात्म शक्ति मेरे साथ है।
वो व्यक्ति ठीक हो गया होगा, ये समस्या समाधान हो गई होगी। जब भी संकल्प आए यही संकल्प करेंगे, वो समस्या हल हो गई है। जब आप यहाँ से जाएंगे तो आप वैसा ही पाएंगे। इसलिए मैं आपको याद दिलाऊं, जैसा मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। जोड़ दें इसमें, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही पाओगे। हमारे अपने ही संकल्प हमारे फ्यूचर का निर्माण करते हैं। हमारे संकल्पों में क्रिएटिव पावर है। सभी भाइयों ने ध्यान दिया एक्सपेरिमेंट के तरीके पर। बड़ी से बड़ी समस्या आपके जीवन में हो, मान लो आप किसी सर्विस में हैं और लोग कर रहे हैं कि आपको सर्विस से निकलवा देना है, आपके पीछे लगे हुए हैं, आपके एंटी ग्रुप तैयार हो गया है, सोच रहे हैं आपको निकलवा दें इस नौकरी से। आप ये एक्सपेरिमेंट करें रोज दो चार बार। जब भी संकल्प आए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परमात्म शक्ति मेरे पास है, मैं इसी सर्विस में रहूँगा, वैसा ही होगा। बहुत बड़ी शक्ति है हमारे इन पॉजिटिव संकल्पों में। यदि मनुष्य पॉजिटिव संकल्प करने की कला को आगे बढ़ाए तो उसके जीवन की लगभग सभी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। इसका हम अपने जीवन में बहुत फायदा उठाएंगे।